कुमकुम भाग्य के आज के एपिसोड में अभी बहुत कंफ्यूज होता है अपनी शादी को लेकर, उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे शादी करनी चाहिए या नहीं। इतने में आलिया के पास आता है और आलिया कहता है कि वो बहुत कंफ्यूज है। आलिया उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि ये सबके साथ होता है, लेकिन अभी उसकी बात सुनकर कन्विंस नहीं होता। इतने में उसकी पगड़ी उतर जाती है। दूसरी तरफ पूरब दादी और दादी सब प्लान बना रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि वो तनु का एक्स्ट्रा लहंगा चोरी कर लेंगे और वो लहंगा प्रज्ञा को पहनाकर मंडप में बिठा देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इतने में पूरब दासी से कहता है कि आप तनु के रूम में जाएं और वो लहंगा लेकर आए। दूसरा अभी श्रृंग बचा रहा होता है। इतने में दासी तनु के रूम में जा रही होती है वो लहंगा लेने के लिए। इतने में अभी दासी से कहता है कि मेरी पगड़ी खुल गई, आप मुझे बांधने में हेल्प कर दें। इतने में दासी उसकी हेल्प कर रही होती है। इतने में अभी को दासी में प्रज्ञा नजर आने लग जाती है और वो दासी वहाँ कर लेता है, जिस पर दासी उस पर गुस्सा करती है। तो उस तरफ प्रज्ञा पूरो के पास आती है और कहती है कि शादी में इतना कम टाइम रह गया है, वो हम लोग नया आउटफिट कहाँ से लाएंगे। जिस पर पूरब कहता है कि तनु के पास एक्स्ट्रा लहंगा है, हम वाला लहंगा आपको पहनाएंगे। जिस पर प्रज्ञा को समझ में नहीं आती है, पूरब उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको अपने हस्बैंड को बचाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। दूसरी तरफ सल्ला अपनी बेटी को लेकर बहुत वरिड होती है, इसलिए वो प्रज्ञा कॉल करती है उसका हाल चाल पता करने के लिए। लेकिन प्रज्ञा की आवाज़ सुनकर उसे लगता है कि प्रज्ञा बहुत सैड है, इसलिए वो प्रज्ञा से मिलने के लिए मेरा हाउस आ जाती है। हिट लाइक एंड सब्सक्राइब क्लिस्ट्री फॉर डेली कुमकुम भाग्य न्यूज़ एंड अपडेट्स।